नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परिणय चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रैबिस्मस के बारे में, यानी कि भेंगापन जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि आंख में जो पैर आता है ना, जो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसके आंख में जो पैर रहता है। आंख का मतलब अगर मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मैं जब इसमें समझाऊंगा तो मैं आंख कहूंगा या फिर आय कहूंगा, उसका मतलब ये है कि जो कॉर्निया रहता है, हम देखते हैं जो काला जो बीच में दिख रहा है सर्कल जिसे आई बॉल कहते हैं, वो या तो लेफ्ट साइड रहेगा या तो राइट साइड जो है वो रहेगा, तो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं रहता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर हम इससे बात करता है तो उसकी बात तो वो हमसे करता है लेकिन नजरें इधर रहती है उसकी। तो इसे जिसे हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि आंख में जो पैर आना होता है या भेंगापन जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसे इस कंडीशन को स्ट्रैबिस्मस जो है वो कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल समझने वाले हैं। मेन चीज जो है कि ये जो कॉर्निया के बारे में मैंने आपको बता दिया था, मसल्स के बारे में मैंने आपको सिंपली तरीके से बताया था, इसमें डिटेल जो रहता है पूरा ये रहेगा कॉर्निया, मसल्स और स्क्लेरा के बीच में। स्क्लेरा पे भी ज्यादा डिस्कशन नहीं रहेगा, बस वो व्हाइट पोर्शन है। तो व्हाइट पोर्शन हम देखते हैं कि जो इसमें सर्कल में रहता है, और जो ब्लैक पोर्शन जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि हम कॉर्निया या फिर उसके अंदर जो आयरिस का जो एक रिफ्लेक्शन आता है कलर का, तो वो जो रहता है वो किस डायरेक्शन में रह गया है, क्यों रहता है, क्या कारण रहते हैं, कितने प्रकार के ये रहते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक में मैं इस पे, यानी कि इसके कंटिन्यूएशन में रहेगा, ये बोर्ड पे जितना आया मैंने उतना ही लिखा है, इसके बाद फिर दूसरा एक टॉपिक मैं इसमें लिख लूंगा, उसमें फिर कंटिन्यू करेंगे कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर इसका जो डायग्नोसिस किस तरीके से होता है, इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशन क्या क्या है, वो फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हम लोग इसके सिर्फ टाइप समझ लेते हैं, इसका बेसिक चीजें जो है वो समझ लेते हैं। तो स्ट्रैबिस्मस जो है इसको क्रॉस आय और मिस अलाइंड आय भी कहा जाता है। क्रॉस आय है, सीधी आंखें नहीं दिख रही है। आंखें मतलब मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैं जो वो देखना रहता है, जो कलर आंखों का रहता है बीच में का, जो कॉर्निया का या फिर जैसे काला या फिर भूरा रंग का जो रहते हैं अलग जो कलर, तो वो एक डायरेक्शन में नहीं है, वो लेफ्ट या राइट है। तो सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आंख का ही प्रयोग करूंगा, फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है। वन आय इज टर्न्ड इन अ डायरेक्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर आय। एक आंख सीधा देख रही है तो दूसरी आंख जो है वो दूसरी तरफ देखी, या फिर कभी कभी क्या होता है दोनों आंखें दूसरी तरफ देखती है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो है वो देखती है। यूजुअली फाउंड इन चिल्ड्रन बट कैन ऑल्सो हैपन इन एडल्ट। बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, जेनेटिकली भी यह ट्रांसफर होता है। हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स के द्वारा रहता है वो भी, या फिर जो किसी फैमिली हिस्ट्री अगर रहती है तो उसके द्वारा भी यह ट्रांसफर होता है, जीन्स के द्वारा ये ट्रांसफर होता है। 30% इसमें देखना गया है कि जो कंडीशन बच्चों में होती है वो जेनेटिकली होती है, फैमिली हिस्ट्री के द्वारा जो है वो ट्रांसफर होती है। एडल्ट में क्या होता है, जब मेनली उसका कारण क्या है, स्ट्रोक है, अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, मेन कारण वो सबसे ज्यादा रहता है एडल्ट में, कि अगर ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं लाइफ में, काफी ज्यादा अप्स डाउन है, तो स्ट्रोक कभी कभी आ जाता है टेंशन की वजह से या फिर लाइफ स्टाइल की वजह से, तो उस स्ट्रोक के कारण ये होने का चांसेस रहता है, ठीक है, एडल्ट में। अब सिक्स मसल्स हैव द इशू कंट्रोलिंग आई मूवमेंट एंड कांट कीप नॉर्मल ऑक्यूलर अलाइनमेंट इज आई पोजिशन। मैंने जब एनाटॉमी बताया था आपको आंखों के ऊपर के बारे में, तब मैंने बताया था कि 6 मसल्स रहते हैं जो कि आंखों की जो मूवमेंट है उसे अलाइन करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सुपीरियर, इंफेरियर और लेटरल और ऑक्यूलर रहते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ से हम देखते हैं कि, तो ऊपर के मसल्स रहते हैं, नीचे के रहते हैं। मान लीजिए बॉल है, ऊपर रहेगा, ये मैंने इस तरीके से आपको बताया था, एक यहाँ पे इधर इधर और ये इस तरीके से मैंने बताया था कि ये कुछ 6 टाइप्स के जो मसल्स हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं, आंख को उसके मूवमेंट को, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इधर उधर जैसे घुमाते हैं हम लोग, तो ये मसल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। ये मसल्स में अगर जो भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कारण कुछ भी हो, मसल प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, मसल में हम देखते हैं कि नर्व्स इंपल्स जो है वो सही तरीके से नहीं आ रहे हैं, या मसल ओवरलैप हो गया, बनते बनते देखते हैं कि मसल ओवरलैप हो गया तो उसकी लेंथ प्रॉपर नहीं है, कुछ भी कारण होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल रहता है इस भेंगापन के लिए। अब वो चांसेस मसल्स में किस तरीके से तकलीफ आती है वो आगे समझेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो भेंगापन है ये अलग अलग उसके प्रकार रहते हैं, जो इसके टाइप्स जो है वो पहले समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रैबिस्मस, ठीक है। एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया, ठीक है, तो इसोट्रोपिया वगैरह क्या रहता है, एक्सोट्रोपिया वो मैं आगे क्लियर कर लूंगा, अभी से भी टर्म याद रखिए। एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया यानी कि ये एकोमोडेट कर देता है, जरूरत के हिसाब से ये ढल जाता है, ठीक है, कैसा, देखिए, दिस ऑफन ऑकर्स इन केसेस ऑफ अनकरेक्टेड फार साइटनेस एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ आय दैट टर्न्स इन। दूर का देखने को नहीं मिलता, नहीं समझता जो किसी व्यक्ति को कि दूर की चीज प्रॉपर मुझे नहीं दिख रही है,
तो वो प्रेशर देता है कि मुझे वो चीज और अच्छे से दिखनी चाहिए, ठीक है। या फिर फैमिली हिस्ट्री के कारण किसी को फैमिली में हुआ है, तो वो अगर हुआ है तो वो इसमें ट्रांसफर होता है, इसमें भी बच्चे में आ जाता है। तो जब दूर की चीज जब दिखती नहीं है तो स्ट्रेस डालता है बच्चा या फिर कोई व्यक्ति जिसमें होता है, तो उसमें क्या होता है, एबिलिटी टू फोकस इज लिंक टू वेयर योर आई पॉइंट, द एक्स्ट्रा फोकसिंग एफर्ट्स नीडेड टू कीप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन अ क्लियर फोकस मे कॉज योर आई टू टर्न इनवर्ड, ठीक है। इसोट्रोपिया का सिंपल एक समझ लो कि इनवर्ड अंदर की तरफ, यानी कि ये जैसे कि आंखें हैं तो ये अगर नाक की तरफ आ जाएंगे दोनों बॉल ये इस तरीके से, तो वो इनवर्ड हो गया, और ये दोनों इधर की तरफ चले जाएंगे अगर बॉल सी तो उसे एक्सटर्नल कह सकते हैं, उसके बाहर की तरफ जो है वो कहा जा सकता है। तो ये क्या होता है कि आंखों का काम क्या है कि कोई चीज अगर मुझे दिखाई दे रही है ये चीज, तो मेरे का काम क्या है स्ट्रेट इसको फोकस करना। लेकिन ये चीज अगर बाहर बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस पे है, तो वो नहीं दिख रही है, तो एक ये क्या होता है एकोमोडेट हो जाती है, मतलब उसमें जब प्रेशर आता है उस चीज को देखने के लिए, तो एक एक तरफ की आंख या दोनों आंख जो है वो एकोमोडेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आई बॉल से ये अंदर की तरफ चले जाते हैं उसमें स्ट्रेस की वजह से, ऐसे देखने की वजह से, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया, ठीक है। दूसरा है इंटरमीडिएट एक्सोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया बाहर की तरफ। इन दिस टाइप वन आई विल फिक्सेड दैट इज कॉन्सेंट्रेट ऑन अ टारगेट व्हाइल द अदर आई पॉइंट्स आउटवर्ड, एक आंख सीधा देखेगी, दूसरी आंख जो है वो जैसे कि मैं यहाँ पे भी मोबाइल की तरफ से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरा एक लेफ्ट आय वो सीधा देखेगा लेकिन राइट आय जो रहेगी वो इधर देखेगी, या फिर राइट आय अगर देखेगी इस तरफ देख रही है तो लेफ्ट आय इस तरह को जो है देख जो है वो दिखेगी, ठीक है। ऑफन योर आय विल अल्टरनेट बिटवीन लुकिंग स्ट्रेट एंड टर्निंग आउटवर्ड्स, अल्टरनेट हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, मान लो एक व्यक्ति का एक लेफ्ट की तरफ देख रहा है तो ये राइट देखेगा, या फिर वो इस तरीके से देखेगा तो वो राइट की तरफ से सीधा देखेगा और लेफ्ट जो रहेगा उसका इस तरफ रहेगा, तो ये इस कंडीशन को कहा जाता है इंटरमिटेंट एक्सोट्रोफी, यानी कि कोई एक आंख का जो है वो इधर की तरफ दिख रही है, बाहर की तरफ देख रही है, पॉइंट आउटवर्ड्स। इन्फेंटाइल इसोट्रोफिया, यही इसोट्रोफिया यानी कि अंदर की तरफ बच्चों में इन्फेंटाइल, इन दिस टाइप इन्फेंट शो अ सिग्निफिकेंट इनवर्ड्स टर्निंग ऑफ बोथ आई बिफोर दे आर 6 मंथ ओल्ड, दोनों आंखें या फिर एक भी आंख जो रहती है वो अंदर की तरफ टर्न हो जाती है 6 महीने तक के शुरुआत से, हम देखते हैं कि आते आते जो है वो उनकी आंखों में ये इस तरीके से देखने को मिलता है, इस कंडीशन को ये कहा जाता है। नो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोरसाइट इन प्रेजेंट, ज्यादा दूर की जो दृष्टि है वो देख नहीं सकते, ज्यादा दूर की जो चीज है वो देखने में असक्षम रहते हैं, सक्षम नहीं रहते हैं। ग्लासेस डजंट करेक्ट द क्रॉसिंग, ये जो क्रॉसिंग है उस पर कोई चश्मा काम नहीं करेगा, या फिर कोई लेंस वगैरह भी अगर कोई अलग अलग तरीके से आते हैं तो कोई उसमें काम नहीं करता है। इनवर्ड टर्निंग में फर्स्ट हैपन ऑन एन इरेगुलर बेसिस सून बिकम द कॉन्स्टेंट, इनिशियल लेवल पे मसल्स जो है वो परमानेंटली डेवलप नहीं होते हैं, थोड़े से कच्चे जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं, तो जैसे तब तक थोड़ी सी इरेगुलेटरी दिखेगी, नॉर्मल लगेगा कभी अंदर दिखेगा कभी नॉर्मल लगेगा कभी अंदर लगेगा, और जैसे जैसे वो मसल्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे तो फिर परमानेंटली आपको ये आंखें का दोनों की तरफ ये इस तरीके से अंदर की तरफ जो है देखने को मिलती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इज सर्जरी ऑन मसल्स ऑफ वन और बोथ आई, अगर एक आंख में है या दोनों आंख में है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है सर्जरी। सर्जरी किस तरीके से रहेगी वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक डिस्कस कर लेंगे। डिफरेंट नेम एज पर द मिस अलाइंड आई पॉइंट वन और बोथ लेफ्ट और राइट, कुछ ऐसे कंडीशंस में भी अलग अलग नाम दिए गए हैं भाई, डिफरेंट कंडीशंस हैं, या फिर हम देखते हैं कि लेफ्ट की तरफ ज्यादा तकलीफ हो रही है, राइट की तरफ ज्यादा अलाइन हो रहे हैं, या ऊपर की तरफ देख रहा है नीचे की तरफ देख रहा है, या दोनों आंखों में तकलीफ है, तो उस हिसाब से भी अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं। इसोट्रोपिया यानी कि पॉइंट इनवर्ड्स अंदर की तरफ अगर पॉइंट हो रहा है तो उसे इसोट्रोपिया कहते हैं। एक्सोट्रोपिया पॉइंट आउटवर्ड यानी जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ अगर जा रही है, अगर सामने देख रहे हैं लेकिन जो आईबॉल्स हैं वो इधर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो उसे एक्सोट्रोपिया कहते हैं। हाइपरट्रोपिया पॉइंट अपवर्ड्स यानी वो बाहर इधर कर रहा है लेकिन उसके जो आईबॉल्स हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। हाइपोट्रोपिया यानी कि पॉइंट्स डाउनवर्ड्स यानी सीधा बात कर रहा है लेकिन वो आंखें के नीचे आपके नीचे दिखाई देगा, यानी कि वो सामने आपको क्या लगेगा कि वो सामने वाले नीचे दिखाई देख रहा है। यूनिलैटरल ऑलवेज इन सेम आई, यूनिलैटरल का क्या मतलब रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक आंख या दोनों आंख,
तो यूनिलेटरल का मतलब किसी भी एक आंख में रहेगा, दूसरी आंख नॉर्मल जो रहेगा उसके मसल्स वगैरह सब प्रॉपर तरीके से देखेंगे, तो कोई भी एक आंख में है तो उसे यूनिलेटरल कहा जाता है। अल्टरनेटिंग मतलब ये चेंज होता रहेगा, कभी आपको लगेगा कि ये आंख में पैर है, कभी लगेगा कि ये आंख में तकलीफ है, तो ये कंडीशन चेंज होती रहेगी, तो इसे अल्टरनेटिंग जो है वो कहा गया है। इंटरमिटेंट यानी कि कॉन्स्टेंट, हैपन्स ओनली समटाइम्स, कभी कभार जो है, कभी मान लीजिए दूर का देखना है या पास की किसी चीज कोई है नहीं दिख रही है तो उसे प्रेशर करते हो तभी वो थोड़ा सा आंख में पैर दिखता है या फिर स्ट्रैबिस्मस की जो कंडीशन है वो दिखती है, अदरवाइज वो नॉर्मली इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन के हिसाब से नाम दिया है। तीसरा और इसका कैटेगराइज किया गया है, जो नर्व्स अफेक्ट होती है उस हिसाब से इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब पैल्सी एक है, पैल्सी शब्द का सिंपल तरीके से समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब रहता है कि लकवा मार देना, किसी नस को लकवा मार जाना, तो उसे कहा जाता है पैल्सी। ठीक है, तो ऑक्यूलोमोटर पैल्सी जो रहती है, जो थर्ड क्रैनियल नर्व है उसमें अगर थोड़ा सा पैल्सी हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो उसे कैटेगराइज किया गया है ऑक्यूलोमोटर पैल्सी। सुपीरियर ऑप्लिक पैल्सी है, फोर्थ क्रैनियल नर्व है, इसमें अगर तकलीफ आ जाती है तो उसे कैटेगराइज किया गया है सुपीरियर ऑब्लिक पैल्सी या पैसी भी कई लोग बोलते हैं। और एब्ड्यूसेंस पैल्सी है या पैसी है, ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इसमें अगर तकलीफ होती है या कुछ इसमें नर्व डैमेजेस होता है तो इसे एब्ड्यूसेंस पैल्सी जो है वो नाम दिया गया है। तो ये तीसरा एक कैटेगराइजेशन जो है, जो रिसर्चर्स हैं या फिर जो डायग्नोसिस करते हैं उन्होंने इस तरीके से उसको नाम दिया है। कॉजेज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं है, डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो उसकी जो हैंडलिंग है एक जगह पे, जो उसका फोकस करना पड़ता है, उसको होल्ड करना पड़ता है, वो नहीं कर पाते। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कारण रहता है, प्रॉब्लम विद द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ऑफ योर आई मूवमेंट इन्वॉल्व ब्रेन। न्यूरोमस्कुलर जो ऐसे न्यूरॉन्स जो मसल्स को कंट्रोल करते हैं उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं जो आंखों को हम सपोर्ट करते हैं या फिर आंखों को एक स्टेबल रखते हैं जगह पे, तो वो नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ होती है। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहता है मसल्स का वो कम रहता है, लेकिन न्यूरॉन्स का मतलब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। मतलब ब्रेन में अगर कोई तकलीफ है इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जो एक्टिविटीज है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, इसकी वजह से मसल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आंखें जो है वो सही तरीके से देख नहीं पा रही है। तो ये मेन कारण रहता है इसमें ब्रेन में जो न्यूरोमस्कुलर डिस्टर्बेंस की वजह से। लेस कॉमनली इशू इज द कंट्रोलिंग मसल। फैमिली हिस्ट्री 30% कॉज इन द चिल्ड्रन, बच्चों में जो होने वाला स्ट्रैबिस्मस है या फिर जो ये कंडीशन है आंख में पैर जिसे हम लोग कहते हैं या भिंगापन जिसे कहते हैं, अगर ये बच्चों में देखने को मिलता है तो उसमें 30% फैमिली हिस्ट्री का कॉज रहता है, वो फैमिली हिस्ट्री के कारण उन्हें हो सकता है। 100 में से अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 30 बच्चों को फैमिली हिस्ट्री के कारण हुआ रहता है। कुछ रिस्क फैक्टर रहते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे कि अनकरेक्टेड रिफ्रेक्टिव एरर है, कोई चीज आ रही है दिख रही है उसका रिफ्रेक्शन होता है रेटिना के ऊपर, वो फिर जो सेल्स हैं कॉर्ड सेल्स जो हैं रॉड सेल्स, और देखते हैं कि कौन सेल्स जो रहती हैं, तो वो एक इमेज जो है वो कैरी फिर ऑप्टिक नर्व के पास लेके जाती है। तो उस रिफ्रेक्शन में अगर कोई तकलीफ है तो उसके कारण ये होता है कि उसमें कुछ फोकस करना पड़ता है, तो फिर वो आंखें जो है जो थोड़ी टेढ़ी देखी हो जाती है। उसके बाद पुअर विजन इन वन आई, एक आंख में जो नजर है थोड़ी सी कम है उसके कारण होता है। सेरेब्रल पैलसी, सेरेब्रल ब्रेन में हम देखते हैं कुछ तरीके का लकवा अगर आ गया है, कुछ तरीके की तकलीफ हो गई, न्यूरल डैमेज आ गया, उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, पर इतना समझ लीजिए कि जो डिले प्रेगनेंसी के दौरान जो ड्यूअल मार्कर ट्रिपल मार्कर क्वाड्रोपल मार्कर की जो ब्लड टेस्टिंग होती है ये देखने के लिए कि बच्चे में जो डाउन सिंड्रोम्स यानी कि ट्राइसोमी वगैरह जो देखते हैं, क्रोमोसोम्स जो अलग अलग देखते हैं कि वो किस तरीके से है या नॉर्मल है या नहीं है, वो अगर कंडीशन अगर है किसी बच्चे में तो उसके कारण ये एक रिस्क फैक्टर बनता है स्ट्रैबिस्मस के लिए। हाइड्रोसिफेलस यानी कि बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द ब्रेन, ये जो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड जो बिल्ड होता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोसिफेलस, ये फ्लूइड का नाम है, तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसमें डेवलपमेंट में कुछ अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी एक रीजन बनता है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में कैंसर हो जाता है तो उसकी वजह से भी अगर वो है जो नसें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्ट्रोक सबसे बड़ा कारण है बड़ों में स्ट्रोक, ब्रेन में जो अटैक आ जाता है स्ट्रोक जिसे हम लोग कहते हैं, उसके कारण सबसे बड़ा कारण है कि वो आंखों में पैर आना या फिर भेंगापन या फिर स्ट्रैबिस्मस होने का कारण। हेड इंजरी, सर पे चोट लगती है और उसके कारण अगर विजुअल पार्ट है
ऑक्सीपिटल जो जिसे हम लोग कहते हैं, तो उस रीजन पे अगर वो अटैक करता है या फिर चोट लगती है तो उसके कारण हम देखते हैं कि हेड इंजुरी में अगर उस पर नुकसान होता है तो वो एक कारण बनता है। न्यूरोलॉजिकल यानी कि नर्व सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है अगर आपको, तो उसके कारण ग्रेव्स डिजीज। ऐसी इस कंडीशन में क्या होता है कि थायराइड ओवर प्रोडक्शन होता है, ओवर प्रोडक्शन थायराइड की वजह से भी डिस्टर्बेंस होते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स सिंपल हम देख सकते हैं कि या तो डबल विजन है, हेडेक हो सकता है, डिफिकल्टी इन रीडिंग पढ़ने में तकलीफ है, आंखों में स्ट्रेन तनाव आएगा, आंखों में जोर आएगा, उसके बाद हम टिंकलिंग और टर्निंग योर हेड, बार बार आपको नहीं दिख रहा है तो ऐसा देखेंगे इस तरीके से देखेंगे ऐसा देखेंगे, तो टिंकलिंग और टर्निंग जो फेस का रहेगा। उसके बाद क्लोजिंग और कवरिंग वन आई व्हेन लुकिंग एट समवन नियर बाय, फार अवे और ब्राइट लाइट, कोई चीज सामने है या दूर है या रोशनी है, ज्यादा ब्राइट लाइट है तो उस टाइम में देखने के लिए, मान लीजिए अगर लेफ्ट आई में तकलीफ है तो उसे वो इस तरीके से देखेगा या फिर इस तरीके से देखेगा, भले आंख ना मारे तो भी सामने वाले को लगेगा दाग मार रहा है तो शायद थप्पड़ वप्पड़ ना खा ले, वो चलो ठीक है, पर इस तरीके से देखेगा आंख बंद करके या इस तरीके से देखेगा, तो वो या तो दूर देख कर चीज देखने के लिए या तो पास की चीज देखने के लिए या फिर जो ब्राइट लाइट रहेगी उस चीज में, इस कंडीशन में। कब ये चीज होने को चांसेस हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है 3 से 4 साल की जब एज आ जाती है तब ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि 100% ये समझ में आ जाता है कि अब बच्चे को तकलीफ है। तो इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इस कंडीशन को कि ये चीज है या नहीं है, तो शुरुआत के 6 महीने से लेकर 3 से 4 साल के बच्चे जो रहते हैं उसमें काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और अगर है ऐसी तकलीफ तो उस पर तुरंत जो प्रिकॉशनरी स्टेप जो है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा वो लेना जरूरी है, अदरवाइज उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है आगे डिस्कस करेंगे। सडन अपीयरेंस ऑफ डबल विजन कैन बी सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अचानक से दो चीजें दिख रही है बिना पिए, है ना, कभी कभी ज्यादा पी लेता है आदमी तो 2-4 चीजें दिख जाती हैं, तो बिना पिए नॉर्मल व्यक्ति बैठा उसे दो दो चीजें दिख रही हैं, तो ये क्या एक साइन है या हम देखते हैं कि सिग्नल मिलता है कि कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, नर्व्स में डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई है, और उस कंडीशन में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना या तुरंत जो है डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। एक और कंडीशन रहती है सुडो स्ट्रैबिस्मस यानी कि फॉल्स स्ट्रैबिस्मस, इसका क्या मतलब रहता है कि मान लीजिए ये जो आंखों की जो ये चमड़ी रहती है, ये चमड़ी इधर की, ये कभी कभी क्या रहती है ज्यादा बन जाती है, मतलब ओवरलैप हो जाती है आंखों को, जिसकी वजह से क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि आंखों में पैर है पर रहता नहीं है, या फिर ये जो बोन रहती है नोज की ये थोड़ी सी चपटी रहेगी या थोड़ी सी इस तरीके से फैली हुई रहेगी या प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई होंगी, जिसकी वजह से ये फील होगा कि आंखों में पैर है या फिर स्ट्रैबिस्मस में, पर असल में वो नहीं रहता है, तो उस कंडीशन को सुडो स्ट्रैबिस्मस का, सुडो मतलब फॉल्स रहता है, तो फॉल्स स्ट्रैबिस्मस मतलब स्ट्रैबिस्मस नहीं है, कुछ और तकलीफ है, स्किन ज्यादा है या फिर बोन का है, उसकी वजह से इस तरीके से अज्यूम हो रहा है कि ये स्ट्रैबिस्मस है पर अदरवाइज स्ट्रैबिस्मस नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं कि किसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, प्रिकॉशन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से हम लोग इस पे देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है या इसका डायग्नोसिस जो है वो किस तरीके से होता है, कुछ और भी फैक्टर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं डायग्नोसिस के लिए, और फिर ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर स्ट्रैबिस्मस को या फिर जैसे भेंगापन कहते हैं या फिर आंख में पैर जिसे हम लोग कहते हैं अगर ये किसी व्यक्ति में या बच्चे में देखने को मिलता है इनिशियल से 6 महीने के बच्चे में, अगर उसे इग्नोर किया जाता है, अगर वो आइडेंटिफाइड हो जाता है डॉक्टर के द्वारा कि हाँ ये स्ट्रैबिस्मस ही है, भेंगापनी है और आंख में पैर जिसे हम लोग कह रहे हैं वो अगर है, लेकिन उसको अगर अवॉइड किया जा रहा है, निग्लेक्ट किया जा रहा है उसके जो तकलीफ है उसको, तो ये इसके और क्या कॉम्प्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो देख लेते हैं। एक है लेजी है जिसे एम्ब्लायोपिया कहा जाता है, इसमें क्या होता है परमानेंट पुअर विजन इन द टर्न आए, मतलब मान लीजिए कि लेफ्ट आई मेरी सीधी देख रही है और इसमें पूरा विजन मसल वगैरह सब ओके काम कर रहे हैं, राइट आई मुझे स्ट्रैबिस्मस है, या तो आउटवर्ड की तरफ है या तो इनवर्ड की तरफ है, बाहर की तरफ इधर है या तो इधर की तरफ है आंख, तो उससे क्या होगा धीरे धीरे पुअर विजन हो जाती है उसकी। क्यों होती है पुअर विजन? व्हेन आई लुक इन द डिफरेंट डायरेक्शन योर ब्रेन रिसीव्स टू इमेजेस टू अवॉइड डबल विजन योर ब्रेन में इग्नोर द इमेज फ्रॉम द टर्न आई रिजल्टिंग इन द पुअर विजन डेवलपमेंट इन दैट आई। ये बराबर देख रही है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर जो है वो दूसरी तरफ देख रही है तो जाहिर सी बात है दूसरा इमेज भी कैप्चर करेगी, तो इधर भी और इधर भी, तो फिर धीरे धीरे ब्रेन क्या करता है इसको अवॉइड करना शुरू कर देता है, जिसमें तकलीफ है ना उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी विजन जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, पुअर हो जाती है,
ये ब्रेन इसलिए अवॉइड करता है ताकि डबल विजन ना दिखे, एक विजन दिखे ताकि जो ब्रेन है बॉडी है वो एक तरीके से काम कर सके। तो मैंने जो कॉजेस में आपको बताया था कि ये न्यूरोमस्कुलर कॉज है, मतलब न्यूरल जो है वही ऑपरेट करता है मसल्स को, इसकी वजह से तकलीफ होती है। तो मैक्सिमम जो ये तकलीफ होती है वो ब्रेन की तरफ से ही कंट्रोल होती है या फिर बढ़ती है या फिर कम होती है। दूसरा है ब्लरी विजन, धुंधलापन दिखना शुरू हो जाता है, अफेक्ट्स इन आपके स्कूल में काम में, अगर कुछ हॉबीज वगैरह आप एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आपको ये तकलीफ देना शुरू कर देता है। आई स्ट्रेन, आंखों में दर्द बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, फटीग लगेगा, थकान आपको ज्यादा लगेगी, डबल विजन, दो विजन देखने को मिलती है, पुअर 3D विजन, जो 3D इमेजेस हम लोग देखते हैं कभी कभी चश्मा लगा के हम लोग कुछ मूवीज या कुछ ऐसे अलग अलग टीवी या शो देखते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपना, जो एक बोलते हैं ना बॉडी पोस्चर जो रहता है, आपको अंदर से एक थोड़ा सा इन्फेरियरिटी लगेगा कि यार सामने वाला मेरी आंखों को देखेगा तो उसे किस तरीके से महसूस होगा, तो अंदर से जो सेल्फ एस्टीम होता है वो कमजोर होता जाता है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल अ सीरियस ब्रेन इशू जैसे ब्रेन ट्यूमर, कभी कभी हो सकता है कि ये स्ट्रैबिस्मस जो है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो, और इसको अगर हम लोग अनदेखा करते हैं तो मतलब हम लोग ब्रेन ट्यूमर को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर को भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है डायग्नोसिस में पता चल जाता है कि ये स्ट्रैबिस्मस का कारण ब्रेन ट्यूमर है, तो अगर उसको अगर सही तरीके से या सही टाइम से अगर डायग्नोस कर लेते हैं तो ब्रेन ट्यूमर भी डायग्नोस होता है, उसकी भी फिर ट्रीटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है अगर इसको इग्नोर करते हैं। तो डायग्नोसिस किस तरीके से, एनी चाइल्ड मोर देन 4 शुड हैव द कंप्लीट आई एग्जामिनेशन, अगर 6 महीने में आपको दिखता है कि भाई बच्चे में इस तरीके की तकलीफ है तो फिर 4 साल के अंदर तक उसकी पूरी जांच जो है वो हो जानी चाहिए ताकि आगे कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े और उसको फिर क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कितना डैमेज जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है वो देखना जरूरी है। तो उस चीज में, उस डायग्नोसिस में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है उस डायग्नोसिस में वो देखते हैं। एक तो मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में क्या आपकी मेडिकेशंस पूछे जाएंगे, फैमिली हिस्ट्री पूछी जाएगी, फैमिली में किसी को है क्या, या फिर उसके अलावा और कौन सी बीमारी है, आंखों में तकलीफ है, ये बच्चों से पूछा जाता है, माँ बाप से पूछा जाता है कि बच्चे का और क्या क्या तकलीफ हो रही है या फिर और क्या क्या उसके इम्यून सिस्टम में कोई तकलीफ है या और कोई बार बार उसे दवाखाना लेके जाना पड़ता है, ऐसे कई सवाल रहते हैं वो पूछते हैं। विजुअल एक्यूटी, जो बोर्ड लगा हुआ रहता है कि भाई ये ए बी जो पढ़ाते हैं नंबर वन से वगैरह, तो दूर डिस्टेंस उसका मोटा ब्रॉड और ये थिन जो रहती है जो स्क्रीन पे हमें दिखाया जाता है वो एक टेस्टिंग की जाती है, उसमें अगर कुछ लगता है फॉल्ट भाई ये तो ये किस हद तक है ये फॉल्ट वो देखा जाता है। रिफ्रैक्शन, जो आपको चश्मा पहनाते हैं डॉक्टर और फिर अलग अलग लेंसेस लगाते हैं तो उसे रिफ्रैक्टिव पावर देखते हैं कि कौन सा रिफ्रैक्शन कौन से लेंस को सूट कर रहा है उस हिसाब से। अलाइनमेंट एंड फोकस टेस्ट, एक अलाइनमेंट देखा जाता है कि फोकस जो चीज को वो कर रहे हैं एक तरह का देखा जाता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रख लिया वो किस तरीके से उसे अलाइन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, चाहे देख रहा है, तो ये सब चीजें जो है वो कुछ चीजें उसमें देखी जाती है। एग्जामिनेशन आफ्टर डायलेटिंग प्यूपिल्स, ड्रॉप डालेंगे प्यूपिल डायलेट हो जाएगा उसका एग्जामिन करेंगे या तो फिर जो माइक्रोस्कोप जैसा जो एक पता इंस्ट्रूमेंट रहता है उसके द्वारा जो इसका पूरा तरीके से जांच करेंगे या तो फिर जो मशीन पर बिठा के ठुड्डी लगा के जो दिखाते हैं देखते हैं वो उसमें पूरा जांच करेंगे कि और कोई तकलीफ तो इसके अलावा नहीं है। अदर फैक्टर कंसिडर टू डायग्नोस, और कौन सी बातें हैं जो कंसिडर की जाती हैं डायग्नोसिस के दौरान, ठीक है, तो वो है डिड प्रॉब्लम कम ऑन सडन और ओवर टाइम, अचानक से ये तकलीफ हुई आपको या फिर काफी समय से आपको ये तकलीफ है, ये चीजें भी उसमें डायग्नोसिस में जो है वो देखी जाती है। वॉज इट प्रेजेंट इन फर्स्ट 6 मंथ और डिड इट ऑकर लेटर, बच्चे के जन्म के शुरुआत के 6 महीने में ये था या फिर 6 महीने के बाद जो है वो धीरे धीरे ये देखने को मिला, ये पूछा जाता है। इज अ टर्निंग ऑफ डिग्री स्मॉल मॉडरेट लार्ज, यानी कि मान लीजिए ये जो आंखें मेरी हैं या आउटवर्ड है या इनवर्ड है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो ये आउटवर्ड है तो कितना है, तो उसका जो एंगल रहता है ना एंगल, तो वो एंगल स्मॉल है मॉडरेट है या लार्ज है, तो वो एंगल कितना है वो भी देखा जाता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रैबिस्मस, किसी को आपके घर में स्ट्रैबिस्मस है क्या, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम वो इसमें हो गया मेडिकल हिस्ट्री और सब इसमें हो गया मेडिकेशन वगैरह, पर स्ट्रैबिस्मस की किसको कोई फैमिली हिस्ट्री रही है क्या वो देखी जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट कौन करेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या करना है, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। तो उनके पास कई ऑप्शन रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन की क्या तकलीफ है, उस हिसाब से वो अलग अलग ऑप्शन चूज करते हैं। एक है आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेस, कुछ ग्लासेस से वगैरह अनकरेक्टिव रिफ्रेक्टिव एरर जो रहता है वो अगर रिफ्रेक्शन का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इस तरीके से ग्लासेस आपको देते हैं या फिर कुछ लेंसेज आपको प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से
अनकंट्रोल्ड जो रिफ्रेक्टिव पावर है वो आपका थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से जो आंखों में स्ट्रेन आता है, तनाव होता है, वो जो है वो कम हो जाता है। प्रिज्म लेंसेस या प्रिज्म लेंसेस एक स्पेशल टाइप के जो लेंसेस हैं वो यूज किए जाते हैं दैट बेंड द लाइट दैट एंटर्स इन योर टू रिड्यूस द डबल विजन। सॉरी, ये एक प्रिज्म जो लेंसेस है, एक स्पेशल तरह के जो लेंसेस है वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो लाइट आ रही है उसे एक स्पेशल बेंड दिया जाता है ताकि डबल विजन जो हो रही है उस डबल विजन को भी धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सके। उसमें उस प्रिज्म को इस तरीके से सेट किया जाता है, मान लीजिए इस तकलीफ में है, इसमें वो जो दो चीजें दिख रही है जिसकी वजह से एक आंख की जो ताकत है वो नजर है वो कम हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उस तरीके के लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो इसका रिफ्रेक्शन है वो सही आता है। तो रिफ्रेक्शन उसका सेट किया जाता है उसका जो स्ट्रैबिस्मस के एंगल के हिसाब से, जिसकी वजह से क्या होता है इस आग का जो विजन है और इस आग का विजन सही मिलता है और इस आग की विजन को धीरे धीरे फिर जो यहाँ पे हमने पुअर विजन कहा था वो ऑप्शन नहीं होता है। ऑर्थोप्टिक यानी आई एक्सरसाइज, कुछ आंखों की एक्सरसाइज आपको बताई जाती है करने के लिए जिससे ये इम्प्रूव होता है अगर लो लेवल पे तकलीफ है तो। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन आई ड्रॉप जो है वो दिए जाते हैं ताकि ये वीकन्स ओवर एक्टिव मसल्स, ज्यादा एक्टिव मसल है, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, मैंने बताया था ना कि ये मसल ओवरलैप हो जाता है या मसल में अगर कुछ तकलीफ है तो उसे थोड़ा सा वीक करने के लिए उसे ज्यादा ताकि वो मसल जो है वो ज्यादा तनाव ना दे इसको स्ट्रैबिस्मस को, इसको इधर तरह मोड़ने के लिए ताकि वो जो आंख है वो सही तरीके से अपना काम कर सके। तो कुछ मेडिकेशंस के द्वारा भी ये मसल्स को वीकन किया जाता है जो कि ओवर एक्टिव मसल है उसे में यूज सर्जरी, कभी कभी इसके लिए सर्जरी भी इस्तेमाल की जाती है कि भाई इसको थोड़ा सा मसल्स को ठीक कर दिया जाए, थोड़े से इसमें अलग अलग जो सूचर्स हैं वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। पैचिंग एम्ब्लोपिया, अगर एम्ब्लोपिया भी और स्ट्रैबिस्मस दोनों साथ में है तो उसका इम्प्रूव विजन में इम्प्रूव कंट्रोल ऑफ योर आई, तो एम्ब्लोपिया भी अगर साथ में है अगर आपको स्ट्रैबिस्मस के साथ तो विजन को इम्प्रूव करने कोशिश की जाती है जैसे कि वो मेडिकेशन या कुछ कॉन्टेक्ट लेंसेज के द्वारा ताकि डबल विजन को अवॉइड किया जा सके और स्ट्रैबिस्मस को थोड़ा सा जो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं उसे थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। आई मसल सर्जरी, इसको स्ट्रैबिस्मस सर्जरी भी कहा जाता है। जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, रेब्सॉर्बेबल सूचर दिए जाते हैं, इससे क्या रहता है कि जो लेंथ रहती है या पोजीशन रहती है मसल्स की उसे ठीक किया जाता है। एनेस्थेसिया दिया जाएगा, जनरल एनेस्थेसिया पूरा आप छूट जाएंगे, उसके बाद जो सूचर जो कट वगैरह रहेगा तो जो मसल्स हैं उसकी पोजीशनिंग अगर सही नहीं है या कुछ डिस्टर्ब है तो उसे ठीक किया जाएगा, उसका एंगल ठीक किया जाएगा, उसकी लेंथ अगर कम ज्यादा है तो उसे ठीक किया जाएगा। उसके बाद जो है जो सूचर्स वगैरह रहते हैं वो एब्सॉर्बेबल रहते हैं और दो चार दिन में आपको फिर सही लगता है, ज्यादा से एक दो दिन में भी आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। अगर जैसे ही वो एंगल ठीक हो जाता है तो कुछ प्रिकॉशन आपको डॉक्टर बताते हैं वो आपको करना है, उसके बाद जो है वो आपकी रिकवरी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। प्रिवेंशन क्या, कुछ आप प्रिवेंशन नहीं कर सकते, अगर जेनेटिकल है माँ बाप के थ्रू आया हुआ है तो उसको आप क्या कैसे प्रिवेंट करेंगे। हाँ, अगर दिख रहा है तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या फिर जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं उसे आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ डॉक्टर के साथ रेगुलर कंसल्टेशन करके, कुछ ट्रीटमेंट लेके। मान लीजिए अगर एडल्ट में हो रहा है स्ट्रोक की वजह से हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा है, तो उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो उसका एक साइड इफेक्ट रहता है, उसकी वजह से एक तकलीफ होती है। तो ये मैंने सिंपल तरीके से आपको स्ट्रैबिस्मस या फिर जो भेंगापन या जो आंख में जो पैर जिसे हम लोग कहते हैं उसके बारे में आज सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आज का टॉपिक यहीं तक था, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।